हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जब से रोमन रेंस के पास से गई है उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तब से फैंस यही जानना चाहते हैं कि अब आगे रोमन रेंस के साथ क्या कुछ होने वाला है। सो गाइस, फाइनली इससे रिलेटेड रोमन रेंस ने हमें कुछ बता दिया है एंड आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस वीक के रॉ ने ऐसा क्या कुछ कर दिया जो कि पिछले 4 सालों में नहीं हुआ। इसके अलावा सेथ रॉलिंस के WWE फ्यूचर से रिलेटेड मेरे पास अपडेट है। तो गाइस, सबसे पहले हम सेथ रॉलिंस से जुड़ी अपडेट के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सबको पता ही है, सेथ रॉलिंस का भी रेसलमेनिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। वो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तो हारे, लेकिन वो मेन रीजन बने कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने का। और अब सभी यही जानना चाहते हैं कि जब कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके, सेथ रॉलिंस के पास से उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जा चुकी है, देन सेथ रॉलिंस के साथ नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है। सो गाइस, फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के डेव मेल्जर की तरफ से इससे रिलेटेड अपडेट निकल कर आ चुकी है एंड सेथ रॉलिंस आप सबको WWE से लेते हुए दिखने वाले है ब्रेक। और ये ब्रेक वो लेने वाले अपने माइनर इंजरी वगैरह को कुछ हील करने के लिए, बिकॉज अभी तक उनका वो इंजरी 100% हील नहीं हुआ है। और जहां तक मुझे याद है कि ऐसी अपडेट भी निकल कर आई थी कि रेसलमेनिया के बाद सेथ रॉलिंस ब्रेक ले सकते हैं कुछ सर्जरी वगैरह करवाने के लिए। इसलिए आप सब मानकर चल सकते हो कि सेथ रॉलिंस भी अभी WWE से कुछ टाइम का लेने वाले है ब्रेक। वैसे आप क्या चाहते हो जब सेथ रॉलिंस वापस आए तो उनकी फ्यूड हमें किस सुपरस्टार के साथ देखने को मिले, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि इस वीक के रॉ ने ऐसा क्या कुछ कर दिया जो कि पिछले 4 सालों में नहीं हुआ। सो आप सबको पता ही है, इस वीक का रॉ रेसलमेनिया के बाद का रॉ हो रहा था, जिसकी वजह से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज रोमन रेंस की स्ट्रीक एंड हुई थी, कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप आई थी। और अब नेक्स्ट क्या होने वाला WWE में, वही देखने के लिए लोग एक्साइटेड थे। तो गाइस, आप सबको बता दूं, इस वीक की रॉ की जो व्यूअरशिप निकल कर आई है वो है 2.362 मिलियन व्यूअर्स। और जिन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है, तो गाइस, रॉ की व्यूअरशिप 1.3-1.4 मिलियन के आसपास ही घूमते रहती थी एंड ये रॉ की व्यूअरशिप फरवरी 2020 के बाद की सबसे हाईएस्ट रॉ की व्यूअरशिप है। एंड यस, जब रॉक एंड कोडी रोड्स का हमें स्टार्टिंग में सेगमेंट देखने को मिला था, उस टाइम रॉ की व्यूअरशिप चल रही थी 3.2 मिलियन व्यूअर्स। इसलिए आप सब कह सकते हो भाई, अभी WWE का माहौल काफी ज्यादा गर्म चल रहा है, जिसकी वजह से रॉ की व्यूअरशिप भी अप हो चुकी है बिकॉज WWE ने काफी ट्राई किया था पास्ट में रॉ की व्यूअरशिप को 2 मिलियन के ऊपर ले जाने की, लेकिन वो लेकर नहीं जा पाए। बट अब फाइनली वो चीज हो गई। वैसे रॉ की व्यूअरशिप अप करने के लिए आप सबसे ज्यादा क्रेडिट किस सुपरस्टार को देना चाहोगे, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और फाइनली बात कर ली जाए कि रोमन रेंस ने अपने रिटर्न से रिलेटेड क्या कुछ कर दिया है बड़ा रिवील। तो आप सभी को पता ही है, जब से रोमन रेंस हारे अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, उसके बाद से उनके फैंस काफी ज्यादा सैड है और रोमन रेंस की कुछ इमोशनल वीडियोस भी निकल कर आ रही है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बट आप सबको बता दूं, रोमन रेंस ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियो पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने लिखा कि कल तो उन्होंने शोक मनाया बट आज है उनका डे 1 एंड वो जिम में अपना ट्रेनिंग करना भी कर चुके फिर से स्टार्ट। और आप सबने रेसलमेनिया में देखा ही होगा रोमन रेंस की फिजिक कितनी ज्यादा कमाल की लग रही थी एंड अब जब वो वापस आने वाले हैं तो वो उससे भी ज्यादा होने वाली है कमाल की। एंड जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि रोमन रेंस को समर स्लैम से पहले की स्मैकडाउन एंड समर स्लैम क्लिक कर दिया गया है एडवर्टाइज, इसलिए मुझे लग रहा था कि अगर रोमन रेंस इस वीक WWE में देखने को नहीं मिलते देन वो आप सबको सीधा देखने को मिल सकते समर स्लैम के टाइम। बट गाइज, अब जब रोमन रेंस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को कर दिया है पोस्ट ट्रेनिंग की, तो ये देखकर साफ लग रहा है कि रोमन रेंस ये ब्रेक ज्यादा लंबा नहीं होने वाला। मे बी रोमन रेंस आप सबको नेक्स्ट मंथ होने वाले सऊदी के इवेंट में कंपीट भी करते हुए दिख सकते हो। और जैसा कि आप सब जानते ही हो, सऊदी के फैंस रोमन रेंस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं एंड लगभग हर सऊदी के इवेंट में हमें रोमन रेंस देखने को मिले हैं। और अगर आप सबने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी देन आप सबको पता होगा कि अब जब रोमन रेंस वापस आएंगे तो मे भी हो सकता है हमें डिफरेंट रोमन रेंस देखने को मिले, यानी कि फेस रोमन रेंस, बिकॉज अब क्राउड की तरफ से रोमन रेंस को मिलने लगा है काफी अच्छा सपोर्ट। और जैसा कि रॉक जाने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, तो मे भी हो सकता है कि अगर रॉक बन जाते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन देन रॉक की तरफ तो सोलो सिक्वा एंड जिमी उसो तो रहेंगे ही, हमें रोमन रेंस अपनी एक न्यू ब्लड लाइन लाते हुए दिखे, यानी कि फेस वाली ब्लड लाइन जिसमें जे उसो हो सकते हैं शामिल, जो कि फाटू हो सकते हैं शामिल, जिला फाटू हो सकते हैं शामिल, जो कि उमागा के बेटे एंड इन दोनों की रूमर्स भी चल रहे WWE में आने के। और ये न्यू ब्लड लाइन अगर WWE में आती है तो हमें कई सारी न्यू स्टोरीज होते हुए दिखेगी क्रिएट, यानी कि एक तरफ तो हमें रोमन रेंस की फेस ब्लड लाइन रहते हुए दिख सकती है और एक तरफ रॉक की हील ब्लड लाइन। एंड आप सबने ये चीज नोटिस की होगी कि भाई सोलो सिक्वा रोमन रेंस को ही ऑर्डर दे रहे थे रेसलमेनिया में,
वहीं जब रोमन रेंस ने हारी अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल, देन वो रॉक, सोलो सिकोवा सभी को छोड़कर पॉल हेमन के साथ चले गए। इसलिए रोमन रेंस अपसेट तो लग रहे ब्लड लाइन से, हो सकता है अब जब रोमन रेंस वापस आए देन वो थोड़े डिफरेंट प्लान्स के साथ आए, न्यू ब्लड लाइन के साथ आए। इसलिए जब रोमन रेंस ने ट्रेनिंग कर दिए स्टार्ट, वो जब वापस आएंगे तो मैसिव थिंग तो होने वाली है। लेट्स सी कि क्या वो नेक्स्ट मंथ ही आते हैं वापस या फिर समर स्लैम के टाइम। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बता रहे हैं कि क्या आप इस न्यू ब्लड लाइन को देखना चाहते हो या फिर रोमन रेंस रॉक वाली ब्लड लाइन में ही सही है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।